हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल, आपका मेरे चैनल कुक विद पायल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा फ्राई। ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है, आप इसे चाय या कॉफ़ी के साथ इवनिंग स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पोहा फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 कप पोहा, 2 चम्मच मूँगफलियों के दाने, नमक स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, कुछ करिया पत्ते और आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था, ये काफ़ी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 4 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। हमारी तेल गरम हो चुकी है, अब हम इसमें 1/2 कप पोहे डालेंगे। जैसे ही ये फूलने लगे आप इसे बर्तन में निकाल लें। इस तरह से निकाल लें। अब हम 1/2 कप और पोहे डालेंगे। एक साथ सभी पोहे नहीं डालने हैं, नहीं तो ये ठीक से फूलेंगे नहीं। इसे जल्दी जल्दी निकालना है, नहीं तो आपके पोहे जल सकते हैं। अब हम उसी बचे हुए तेल पर मूंगफलियों को फ्राई करेंगे। इसको कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। अब हम डालेंगे करिया पत्ता, इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हम बाकी बचे पोहे को इसमें डाल देंगे जिससे हमने फ्राई नहीं किया था। 1 कप हमने पहले फ्राई कर लिया था, उसे साइड में रख दिया है। अब हम 1 कप मूंगफलियों के साथ इस तरह से भुनेंगे। अब हम हमारे सारे मसाले इसमें डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, इन सबको अच्छी तरह से चला लेंगे। हमारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इस स्टेज पर हमारे जो फ्राई किए हुए पोहे हैं इसमें मिला देंगे। इन्हें भी अच्छी तरह से चला लेंगे। इन्हें तब तक चलाना है जब तक कि सारे मसाले इसमें मिक्स ना हो जाए। देखिए, हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, ये काफ़ी कुरकुरी हो गई है। हमारी क्रिस्पी पोहे बनके रेडी हो गए हैं। देखिए, ये काफ़ी क्रिस्पी बनी है, आप भी ज़रूर बनाइएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू।